हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना प्लान। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज दिया 35x37। ये गांव के हिसाब से बहुत ही बेस्ट डिजाइनिंग दी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से एलिवेशन दिया है। अभी मैं आपको 3D पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पूरा 3D में कन्वर्ट करके मैंने डिजाइनिंग दी है आपको, देख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से मैं सीढ़ियाँ दी, सीढ़ियों के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मैंने पोर्च दिया है। यहाँ पे आप चेयर डाल के, खटिया डाल के आराम से बैठ सकते हैं। इसका मैंने साइज दिया हुआ है 10x7, 10x7 इसका साइज दिया है 10x7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट मिलेगा, और आपको कुछ इस तरीके से एक आपको एंट्री गेट मिलेगा। वेंटिलेशन का आपको विंडो मिल जाएगी फ्रंट में। अभी मैं इस गेट से एंट्री लेता हूँ। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके तक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैठक दिख जाएगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले बैठक मिल जाएगी। अगर आप रूम बनाना चाहते हैं रूम के हिसाब से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए मैंने कुछ इस तरीके से आपको विंडो दी है, और विंडो आपकी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट की है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एलिवेशन दिया विंडो का, देख सकते हैं आप। नॉर्मल आप मिस्त्री बनवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। बैठक से डायरेक्ट आपको हॉल में आने जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिया है, डायरेक्ट आप हॉल में आ जा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, 10x12 इसका साइज दिया मैंने, देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट हॉल में आ जाएंगे। हॉल में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट दिखेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिख जाएगी। विंडो का एलिवेशन मैंने सेम दिया दोनों साइड से, काफी बेहतरीन लग रहा है अच्छा खासा। इस रूम का भी मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, 10x12 इसका भी साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो ध्यान से सुनना होगा, पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 12x13, 12x13 इसका साइज दिया है, 12x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट मिलेगा। वेंटिलेशन की विंडो भी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको एक बेडरूम मिल जाएगा जिसका मैंने साइज दिया 12x13। यहाँ पे आपको दोनों ये बेडरूम सेम मिलते हैं साइज के, देख सकते हैं 12x13 के आपको दो बेडरूम मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक और बेडरूम मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और बेडरूम मिल जाता है। ये आपका बड़ा सा बेडरूम है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 12x15, 12x15 ही आपका बड़ा सा बेडरूम दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना दिया है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जीना दिया है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है। ये जीना आप देख सकते हैं, जीना आपका 3 फिट का दिया है। जीने के नीचे ही यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमाइंड मिलती है। जीने के नीचे ही यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमाइंड मिलती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 7x5, 7x5 आपका साइज दिया है लेटरिंग बाथरूम का, 7x5। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन एरिया मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से किचन मिल जाती है। अगर आप चूल्हा रखना चाहते हैं चूल्हा भी रख सकते हैं। ऊपर आपको जाल रख लेना है, पूरा आपका वेंटिलेशन होता रहेगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके बर्तन धुलने के लिए आपकी पट्टिया बनाई हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप बर्तन धुल सकते हैं आराम से। इस एरिया का साइज मैंने दिया है 4x4, बर्तन धुलने के लिए 4x4 का आपको स्पेस दिया है। और इस किचन का मैंने एरिया दिया हुआ है 11x12, 11x12 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप बना सकते हैं खाना। अगर आप चूल्हा भी रखना था तो चूल्हा रख सकते हैं। ऊपर जाल में बता दूंगा आपकी कहाँ पे क्या देना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 5 रूम मिलते हैं, अच्छा खासा हॉल मिलता है। यहाँ पे आपको ओपन किचन भी मिलती है, यहाँ पे आपको बर्तन धुलने के लिए एरिया भी मिलता है, 3 फिट का आपको जीना मिलता है, देख सकते हैं। अब बात आती है ऊपर की।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जीना ऊपर आएगा। यहाँ पे आपका मैंने जाल दिया है, यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा पूरी गली का। अगर यहाँ पे आप चूरा रखना चाहते हैं तो इधर पे आप जाल लगा लेना है, तो यहाँ पे आपका पूरा वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने रेलिंग दी है आपकी, यहाँ पे रेलिंग की कुछ इस तरीके डिजाइनिंग बनाई है। कम पैसे में आपकी अच्छी खासी डिजाइनिंग मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। ये छज्जा आपका 3 फीट का निकाला हुआ है, अपने हिसाब से छज्जा निकाल सकते हैं, 4 फीट 2 फीट जितना भी निकालना हो आपको। 35x37 में आपको बेस्ट प्लान मिलता है गांव के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज का प्लान पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो धन्यवाद।